नीम घनवटी। दोस्तों आज हम बात करेंगे नीम घनवटी के बारे में, क्या है इसके लाभ, क्या है इसके औषधीय फायदे, कैसे इसको बनाया जाता है और कैसे इसको लिया जाता है। नीम घनवटी नीम से बनाई जाती है। प्राचीन समय से ही हमारे पूर्वजों ने नीम के गुणों को पहचान कर विभिन्न बीमारियों को ठीक करने के लिए नीम का उपयोग करना शुरू कर दिया था। आज भी गाँव में फोड़े फुंसी और त्वचा के विकारों के लिए नीम की छाल को घिस कर लगाया जाता है। नीम के पत्तों को अनाज भंडारण के दौरान अनाज के अंदर रखा जाता है, अनाज में इसको डाला जाता है। ऐसा नीम के एंटीबैक्टीरियल गुण के कारण किया जाता है। नीम में एंटीसेप्टिक, एंटीवायरल, एंटीपायरेटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी अल्सर और एंटी फंगल के गुण होते हैं। नीम घनवटी का मुख्य घटक एकमात्र नीम ही है। नीम की तासीर, नीम की तासीर ठंडी होती है, इसे गर्मियों में उपयोग में लिया जाता है। नीम कितनी मात्रा में ले यह एक महत्वपूर्ण विषय है और इससे संबंधित दिशा निर्देश पतंजलि के चिकित्सालय में बैठने वाले चिकित्सक से परामर्श करें और विशेष रूप से ध्यान दें कि नीम की अधिक मात्रा आपके लिए हानिकारक हो सकती है। नीम घनवटी के गुणों को जानने के लिए नीम के गुणों को पहचानना आवश्यक है। आइए जानने की कोशिश करते हैं नीम क्या है और इसके औषधीय गुण क्या है। नीम एक ऐसा पेड़ है जिसका प्रत्येक भाग औषधीय गुणों से भरपूर होता है। नीम की छाल, नीम की जड़ और पत्तियों में नीम के गुण छिपे हुए होते हैं। प्राचीन समय से ही नीम के गुणों को पहचान कर इसका उपयोग विभिन्न प्रकार की बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है। इसी कारण से नीम को सर्व रोग निवारिणी कहा जाता है। संस्कृत में नीम को अरिष्ट कहा गया, जिसका मतलब है कभी खराब नहीं होने वाला। यह भारत में प्रधानता से पाया जाता है। भारत के अलावा ईरान और अफ्रीका में भी है पाया जाता है। नीम के गुणों को पहचान उपरांत ही भारत के कई देश नीम के पत्ते आयात करते हैं। आइए जानते हैं नीम के औषधीय गुण क्या है। नीम तो गुणों का भंडार है, इसलिए इसे गांव में दवा खाना कहा जाता है। इसके गुणों के कारण ही गांव में बहुत मात्रा में नीम के पेड़ पाए जाते हैं। नीम की जड़ से लेकर इसकी पत्तियों तक हर भाग में औषधीय गुण छिपे होते हैं। नीम प्रधानतया एंटीबैक्टीरियल होता है, मतलब कि कीटाणुओं का नाशक है। यही कारण है कि नीम की छाल और पत्तों का उपयोग त्वचा संबंधी रोगों के निवारण के लिए किया जाता है। पारंपरिक दवाओं में नीम का उपयोग किया जाता है। गुजरात में चैत्र माह में नीम के पत्तियों को चबाने और उसका रस पीने की परंपरा है, जो उसके गुणों की महत्ता को दर्शाता है। चैत्र माह में इसके ताज़ा पत्ते रोग प्रतिरोधक अक्षमता को बढ़ाने और संक्रमण को रोकने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने नीम को 21वीं सदी का वृक्ष घोषित किया है। वर्तमान में कई उत्पादनों में नीम का उपयोग किया जाता है, जैसे नीम साबुन, नीम शैम्पू, नीम टूथपेस्ट और दवाओं में नीम का उपयोग किया जाता है। नीम घनवटी या नीम के उपयोग के गुण के बारे में जानेंगे। नीम के गुणों को आप सीधे नीम के सेवन या नीम घनवटी के सेवन से प्राप्त कर सकते हैं। नीम के कोई बड़े साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, फिर भी इसको लिमिट में प्रयोग करना चाहिए और चिकित्सक की सलाह अनुसार ही प्रयोग करना चाहिए। नीम का ज़्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए। नीम का प्रयोग रक्त शुद्धि के लिए किया जाता है। हमारे शरीर में करोड़ों कोशिकाओं को रक्त के माध्यम से ही पोषण मिलता है। वर्तमान के खान पान और जीवन शैली के कारण रक्त में विषाक्त कणों की संख्या बढ़ गई है।
यदि शरीर से ये विषाक्त तत्व बाहर ना निकल पाए तो शरीर में ही रह जाते हैं और खून में घुल मिल जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अनेकों रोग उत्पन्न हो जाते हैं। रक्त की अशुद्धि से कई प्रकार के रोग हो जाते हैं, लेकिन प्रधान रूप से त्वचा से संबंधित रोग जल्दी होते हैं। हरी सब्जियों, चिरायता, तुलसी और आंवला रक्त को साफ करते हैं, लेकिन नीम का उपयोग रक्त शुद्धि के लिए भी किया जाता है। इसके लिए आप नीम का सेवन करें और त्वचा विकारों के लिए नीम की पत्तियों को उबालकर गुनगुने पानी से नहाएं। नीम में मौजूद आयुर्वेदिक गुण रक्त से विषाक्त तत्वों को शरीर से बाहर निकालने में मदद करते हैं। इसके लिए जब नीम में सर्दियों के बाद कोपलियाँ लगनी शुरू हो जाए तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार नीम की ताजी पत्तियों का उपयोग श्रेयकर होता है। अन्य समय में आप नीम की 2 से 4 पत्तियों को मुंह में चबाकर लाभ ले सकते हैं। मधुमेह में नीम का सेवन लाभकारी हो सकता है। इंसुलिन के स्तर और शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में नीम का रस उपयोगी हो सकता है। मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति को डॉक्टर की सलाह के उपरांत नीम का उपयोग करना चाहिए। पतंजलि नीम घनवटी नीम से मुंह से संबंधित बीमारियों के लिए उपयोग की जाती है। नीम का दातुन हमारे बड़े बूढ़े करते हैं और उसके गुणों को पहचान कर कई मल्टीनेशनल कंपनियां भी अपने टूथपेस्ट में नीम का समावेश करने लगी है। नीम के एंटीबैक्टीरियल गुणों के कारण यह मुंह के कीटाणुओं का अंत करता है, मसूड़ों की सूजन कम करता है और दांतों को स्वस्थ रखने में मदद करता है। आप नीम की दातुन के अलावा नीम की पत्तियों का रस निकाल कर मसूड़ों पर लगा सकते हैं और अंगुलियों से दातुन कर सकते हैं, उसका जल्दी लाभ आपको मिलता है। नीम के दातुन और इसके रस से मसूड़ों पर लगाने से मुंह की दुर्गंध दूर हो जाती है, मसूड़ों की सूजन और कीड़ों की रोकथाम होती है और साथ ही मुंह के छाले भी ठीक हो जाते हैं। नीम के रस से कुल्ला करना आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। पतंजलि नीम घनवटी त्वचा के रोगों में भी उपयोगी है। त्वचा से संबंधित अनेक रोग जैसे त्वचा का संक्रमण, जलन, चकते, खाज खुजली के लिए नीम का उपयोग अत्यंत ही लाभकारी होता है। नीम में एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। इसके लिए आप नीम के पत्ते लेकर पानी में उबाल लें और उबालने के बाद जो पानी हरा हो जाए और पत्ते गहरे रंग के हो जाए तो उस पानी के गुनगुने होने पर उस पानी से नहाएं और फिर त्वचा को धोएं। इससे आपके त्वचा के रोग और त्वचा का संक्रमण दूर हो जाता है। फोड़ों पर नीम की छाल को धीरे धीरे घिसें और उसे फोड़ों पर लगाएं, लाभ आपको ज़रूर मिलेगा। मुहासों के लिए नीम की पत्तियों का रस निकालें और मुंह को 2 से 3 बार उसे पानी में मिलाकर धोएं, इससे भी आपको लाभ मिलता है। रूसी और जूं के लिए नीम घनवटी का प्रयोग करें। नीम के पत्तियों को उबालकर सर में लगाने से बालों में रूसी और कीटाणु समाप्त हो जाते हैं। ऐसा नीम में पाए जाने वाले एंटीबैक्टीरियल गुणों के कारण होता है। पेट के कीड़े समाप्त करने के लिए नीम घनवटी का प्रयोग करें। नीम घनवटी या नीम के पत्तों के सेवन से पेट के कीड़े समाप्त हो जाते हैं। नीम के पत्ते चबाने से इस पेट के परजीवी समाप्त हो जाते हैं या नीम घनवटी लेने से पेट के कीड़े समाप्त हो जाते हैं। नीम से कैंसर की रोकथाम, नीम से कैंसर की रोकथाम हो सकती है। सावधानियाँ, गर्भवती महिलाओं को इसका सेवन सामान्यतः नहीं करना चाहिए और यदि करें तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही करें। यदि किसी अन्य रोग की दवा चल रही है तो नीम का उपयोग ना करें और डॉक्टर की सलाह लें। लंबे समय तक सेवन ना करें, ज़्यादा मात्रा में नीम का सेवन हानिकारक हो सकता है। छोटे बच्चों को नीम देने से परहेज करें। पतंजलि नीम घनवटी को आप पतंजलि स्टोर से कहीं से भी खरीद सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन भी इसको परचेज कर सकते हैं।